नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कोरोना संक्रमित महिला की आत्महत्या का सच आया सामने, दो डॉक्टर निलंबित। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया चार चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने दो डॉक्टर को निलंबित कर दिया है और दो को चेतावनी देकर घटना से सबक लेने को कहा है। गौरतलब है कि नकुट क्षेत्र के नारायणपुर गांव की रहने वाली कोरोना संक्रमित कौशल देवी ने 30 जून को आत्महत्या कर ली थी। घटना से 2-3 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वार्ड बॉय और नर्स के अनुसार महिला जल्द ही स्वस्थ हो गई थी और अपने घर जाने की और बच्चों को अस्पताल में बुलाने की मांग कर रही थी। इसे मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अनसुना कर दिया था। उसके बाद 30 जून की शाम महिला मेडिकल कॉलेज की पहली मंजिल से कूद गई, इससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ईद उल जुहा से पहले शिविर कार्य के लिए तोड़ी गई सड़कों व गलियों का निर्माण हो पूरा। सहारनपुर नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा आज अमृत योजना व स्मार्ट सिटी के नाम पर गहरी सिविल लाइन डालने के लिए नई व पुराने शहर में खोदी गई सड़कों का निर्माण में हो रही देरी को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि आगामी 19 जुलाई 2021 को ईद उल जुहा का त्यौहार है और मानसून सर पर है। ऐसे में सड़कों पर बहुत गंदगी और कीचड़ के कारण कानून व्यवस्था को भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में जल्द ही शहर की शिविर कार्य के लिए तोड़ी गई सड़कों व गलियों का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। ननोता में बेखौफ गोवंश कटान करने वाले दो लोग गिरफ्तार। एसएसपी सहारनपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत ननोता थाना प्रभारी सोवीर नागर ने उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार आजाद सिंह व अन्य टीम को साथ लेकर मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए नगर के मोहल्ला शेखजादगान निवासी शमशाद पुत्र सफीक व इंतजार पुत्र सफीक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 15 कुंटल गोमांस वध उपकरण, एक पैकेट काली पॉलिथीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 315 बोर का एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस व एक बाइक भी बरामद की है। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष अरविंद पालीवाल के नेतृत्व में भारत सरकार के पूर्व उप प्रधानमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, श्रम मंत्री व अनेक मंत्रालयों में अपनी सेवा दे चुके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दलितों के मसीहा आदरणीय स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि पर जनता रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी के जीवन व उनके दलितों के प्रति अहम योगदान को याद किया गया तथा उन्हें नमन करते उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जिला महामंत्री सूरजपाल, ब्लॉक अध्यक्ष अजीत कुमार, नरसिंह प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य अमन कुमार, दीपक लांबा, शक्ति जायसवाल, अन्य लोग शामिल रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण शिविर गाजियाबाद पहुंचे सहारनपुर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। गाजियाबाद के JKG इंटरनेशनल स्कूल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों के 168 ब्लॉकों के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों का एक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए जूम ऐप के माध्यम से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वोट्रा ने प्रशिक्षण में सम्मिलित सभी जिलों के जिला अध्यक्षों व ब्लॉक अध्यक्षों को संबोधित किया और उनसे 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में और तेजी लाने का आह्वान किया। प्रशिक्षण शिविर के लिए पहुंचे ब्लॉक अध्यक्षों में मुख्य रूप से ननोता ब्लॉक के अध्यक्ष देवेंद्र राणा, रामपुर के संजय पवार, बलियाखेड़ी के गुलफाम मलिक, नागल के ओमपाल सिंह डांकोवाली, नकुट के चौधरी रणबीर सिंह, मुजफ्फर के अंकुर सैनी शामिल रहे।
शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती को बताया देशद्रोही। देश निकालने सरकारी संपत्ति पर कर रहे कब्जे को वापस लेने को लेकर लगाए नारे, फूका पुतला। इस दौरान शिवसेना के महानगर अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों को क्या कहा वो भी सुनिए। महानगर अध्यक्ष शिवसेना जिला सहारनपुर से, आज जिस संबंध में हम ये जो महबूबा मुफ्ती है, जो ये पाकिस्तान का जो आपका पाकिस्तान के कहने में आजकल उनकी चल रही है उनका पक्षबाजी जो करती है, समय समय पर पाकिस्तान का साथ देती है, ऐसे देशद्रोही के खिलाफ आज शिवसेना सड़क पर उतरी है कि इनको देश से बाहर करा जाए, जो इनकी सारी प्रॉपर्टी है इस पर कब्जा करके इनको पाकिस्तान ही भेज दिया जाए, जो हिंदुस्तान का खाती है, पाकिस्तान का गुण गाती है, ऐसे देशद्रोही का हमारे भारत में कुछ काम नहीं है, इनको लात मार के इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। शिवसेना आज इसके लिए इनका पुतला फूकने आई है और हर जगह इनका, हमारी शिवसेना इनका बहिष्कार करेगी, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये पाकिस्तान के लिए काम कर रही है और शिवसेना हमारे पूरे भारत देश की जनता जो है हमारी सेना के साथ खड़ी है मजबूती से। हर एक हिंदुस्तानी शिवसेना और हिंदुस्तानी अपनी सेना के साथ मजबूती से खड़ी है। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी देश की जनता देना जानती है। आज हमारे सब संगठन साथ में हैं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जिला प्रमुख का श्री सुभाष चंद्र कक्कड़ जी का, जो वो इस समय पर भी अपना पूरा 100% दे रहे हैं अपने देश के लिए, अपने ज़िले के लिए, समय समय पर अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कोई दिक्कत आती है वो अपना पूरा योगदान देते हैं। शिवसेना जिंदाबाद। हरियाली बढ़ाने को शहर के लोगों ने आगे हाथ बढ़ाए। नगर आयुक्त के आह्वान पर ग्रीन कोस में पेड़ दान करने वालों का लगा तांता। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के आह्वान पर शहर के अनेक संस्थाओं व लोगों ने शहर की हरियाली बढ़ाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। नगर आयुक्त द्वारा शुरू किए गए ग्रीन कोस में पौधे दान करने वालों का तांता लग गया है। 3 दिन में ही लोगों ने हजारों पौधे ग्रीन कोष में दान करने की घोषणा कर दी है, जबकि इंडियन हब्स ने गंगो रोड के डिवाइडर पर लगने वाले समस्त पौधों की जिम्मेदारी ली है। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।